प्लास्टिक सामान विक्रेताओं की एक बैठक शुक्रवार को साहबगंज मंडी स्थित किराना भवन में आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें सर्वसम्मति से अशोक कुमार गुप्ता को संरक्षक, पवन जालान को अध्यक्ष, संतोष गर्ग को उपाध्यक्ष, हरीश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष, विशाल कुमार को मंत्री, विष्णु जायसवाल को कोषाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक के सामानों पर लगाए जा रहे बैन का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित बताया। वहीं बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार से व्यापारियों द्वारा स्टोर किए गए प्लास्टिक के सामानों को निकालने के लिए कुछ माह का वक्त मांगा। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह प्लास्टिक के सामानों पर अचानक बंदी करने से उनके लाखों रुपए का स्टोर माल का रुपया फंस जाएगा, जिससे वो बैंक के लोन नहीं भर पाएंगे। हम जो काम करते हैं सदैव हम लोग सरकार और शासन के पक्ष में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति बनी है व्यापारियों के लिए, लोग गलते बन रहा है कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों के पास पर्याप्त माल जम पड़ा हुआ है। सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य, हम लोग भी चाहते हैं स्वच्छ भारत, और उसके साथ पूरे व्यापारी कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चलने के लिए तैयार है। कहीं भी सरकार के विरुद्ध हमारा ये न परियोजन है, न हमारा ये गठन है, बस हमारी मांग माननीय योगी जी से यही है कि हम लोग को वक्त दिया जाए, एक व्यवस्था दिया जाए, एक स्वरूप तैयार किया जाए कि हम लोग अपने व्यवसाय को उखड़ने से, लड़खड़ाने से बच सकें। हम क्या करें, वो सहयोग नहीं कर सकते जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन और पालकी ने सबका एक गठन करके हम लोग निवेदन के रूप में इस बात को इस मंच के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास कि उसमें हम लोग वक्त दिया जाए, व्यवस्था किया जाए, ताकि हम अपने पास जो माल डंप है और किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित न किया जाए, और हम सब लोग साथ सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर है। प्लास्टिक का युग एक घातक है और इसमें जागरूकता में व्यापारी समाज हमेशा साथ रहा, और ये विश्व के लिए एक संकट का समय है। आज विश्व में देखिए, चाइना से लेकर जापान तक इस प्रदूषण से मुक्त नहीं है, फिर भी निरंतर इसका व्यापार बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया है, अभी अध्यादेश लागू होने वाला है, हो सकता है नहीं उस पर दस्तखत हो गया हो, सरकार का मंशा है कि तीन चरण में इससे मुक्त रखा है। लेकिन हमारे व्यापारियों की समस्या यह है कि इनके पास कुछ माल है, ये लोग योगी के संरक्षण में हमेशा रहे हैं, योगी जी का सुरक्षा हमेशा प्रदान करते रहे हैं, सत्ता में नहीं थे तब भी, आज सत्ता में है तब भी व्यापारी सरकार के पुत्र नहीं है। लेकिन व्यापारियों का कहना है हमारे पास कुछ माल है, उस माल के लिए हमें समय दिया जाए ताकि हम उस माल का डिस्पोज कर दें, क्योंकि हमारे पास बैंक का लोन है, बहुत से लोन हमको देना है, कैसे हम पूरा करेंगे। और इसीलिए व्यापारियों ने एक अनुरोध के साथ यह तय किया कि हम श्री योगी आदित्यनाथ के श्री चरणों में हम लोग निवेदन करेंगे कि महाराज जी, हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे पास बैंक का लोन है, हम इससे प्रभावित हो रहे हैं, कृपया हमें कुछ समय दें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके श्री चरणों में अनुरोध करेंगे कि हम लोग हमेशा स्वच्छता के अभियान से जुड़ा है, व्यापारी हमेशा योगदान देता है रूप में, और निश्चित रूप से ये इनकी मांग हम लोग योगी जी के समक्ष रखेंगे।